तो उंगली तो हम लोग करेंगे ना, अपनी औकात नहीं दिखाई अपने, अपना काम भी तो है उंगली का ना। ऐसे बस मोदी में क्रिटिसाइज करने वाले है भाई, इसमें बोला कैसे ये? अगर आप ऐसे इंसान हैं, स्वागत है आप लोग का हमारे YouTube चैनल पर फिर से एक बार, जहां आपको देखने मिलती है खूब सारी रोस्टिंग, थोड़ा बहुत रिव्यू और बहुत सारी भर भर के बकचोदी विद एड ब्रेक्स। एड भी अपने ही है, तो यूं ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारी वीडियो, दिखाते रहिए प्यार, करते रहिए लाइक सब्सक्राइब कमेंट, और एड आएगा अभी एक सेकेंड में। एड भाई, जैसा कि आपको पता है हमारे चैनल पे ऐड आने लगे हैं, तो प्रमोशन भी तुरंत मिल गया है हम लोगों करने के लिए। प्रमोशन जिस चैनल का, एक चैनल है उसने बोला प्रमोट कर दो, तो जिस चैनल को हम लोग प्रमोट करने वाले हैं उसका नाम है रोड ट्रिप्स, जो कि हमारा ही व्लॉग चैनल है। आखिरी में वीडियो की मेरी खोपड़ी के ऊपर वो चैनल आ जाएगा, ठीक है? यहाँ पे खत्म करते हैं हम लोग प्रमोशन। आज का सेगमेंट कुछ अलग है, तो वही सेगमेंट थोड़ा सा नहीं अलग है, बहुत अलग है। पहली बार नहीं, दूसरी बार बोल सकते हैं अपने चैनल पर। और क्या है सेगमेंट, तो भाई तो बता ही देगा। पहली बार तुमने पायरेसी की थी ना, इस बार हम लोग पायरेसी नहीं कर रहे हैं। तो इंडियाज गॉट लेटेंट का पूनम पांडे वाला ईपी ट्रेंड पे चल रहा है, तो देख रहा हूँ सब लोग हाथ धो ही रहे हैं उसपे, हम लोग भी थोड़ा सा मार देते हैं हाथ। तो हाथ मारने आए आज, और हमारे टारगेट्स जज रहेंगे, है ना? हम लोग जज को जज करने वाले हैं। तो या तो 1 घंटे का पूरा एपिसोड डाल देंगे, या फिर 2 पार्ट में आएगा ये रिकॉर्ड, पूरा डाल देंगे। तो जैसा हमें सही लगेगा ड्यूरेशन के हिसाब से वैसे करते हैं, बाकी शॉर्ट्स तुम्हें मिल ही जाएंगे। शुरू करते हैं, है? Yes, let's show, वो लंबी सीरीज है, लंबा वीडियो है, मजा आएगा। Hello and welcome to India's Got Talent, एक अननेसेसरी रियलिटी शो। इस शो का कोई भी पॉइंट नहीं है, जस्ट लाइक लाइफ। इट्स अ क्रेजी शो, एनीथिंग कैन हैपन, कुड बी द बेस्ट शो, कुड बी द वर्स्ट शो। इट्स अ पॉइंटलेस रियलिटी शो, बट इट हैज अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट सिस्टम। इंडिया के कोने कोने से लोग इस शो में अपना टैलेंट दिखाने के लिए आएंगे। उनके पास केवल 90 सेकंड होंगे अपना टैलेंट दिखाने के लिए, लेकिन अपना टैलेंट दिखाने से पहले उन्हें खुद को 10 में से स्कोर देना होगा। टैलेंट दिखाने के बाद हमारे जजेस भी उनको स्कोर देंगे, और अगर जजेस का एवरेज स्कोर वही निकल गया जो पार्टिसिपेंट ने खुद को दिया था परफॉर्म करने से पहले, तो वो पार्टिसिपेंट शो जीत जाएगा, और उस दिन के शो के टिकट सेल्स का सारा पैसा उनका हो जाएगा। जी हाँ, इस शो से हमें पता चलेगा कि कौन कितना सेल्फ अवेयर है, और इस शो के यूट्यूब व्यूज से हमें पता चलेगा कि कौन कितना बेरोजगार है। तो बस शुरू करते हैं। हम लोग रिएक्शन देखे इंसान, तो उन लोग लेटेंट वाले नहीं कर पा रहे वो चीज जो इंसान यहाँ ढूंढने आ रहा है। तो यहाँ टाइम वेस्ट करने नहीं आ पा रहे, यहाँ एंजॉय करने आ रहे हो। थैंक यू फाइन, आज भी यहाँ आने के लिए। I hope you don't mind. I mean, who doesn't know Poonam ji? Everybody has 4G. Thank you so much for coming, yaar. Thank you for inviting. And aaj bhi yahan aane ke liye. I hope you don't mind. No. Let's go! Yay! You're pretty cool, यार। क्या क्या सोच के आया आप लेटेड में? मतलब you know, खुद की actually अगर मरवानी हो उसके लिए तो only fans रखा है आपने। तो thank you so much, ज़ोरदार तालियाँ फॉर पूरा। यहाँ पे तो क्या कहोगे, तो मरवानी वाले दिन। हाँ, proud तो ऐसे feel करे जैसे फौजी है। Border लड़ लड़के आ रही है। Only fans खोल रखा है मैंने। ये भी खैर बहुत लोगों का रात की वो वॉरियर है ना। वो वाला है क्या, पति फौज में बीवी मौज में, तो ये वो वाली बीवी बनेगी क्या फौजी की? गलत ये हो रहा है, मौज ही रहती है। सॉरी, वो क्या बोलते हैं,
फौजियों के लिए वो मांगते हैं ना हम लोग, अरे क्या बोलते हैं उसको, एक चीज मांगी जाती है ठीक नहीं यार, ठीक मांगी है फौजी के लिए। अरे यार किसी यार कुछ अन्याय होता है तो उससे हम कुछ मांगते हैं ना कि इसको वो दिलो, इंसाफ 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 फॉर फौजी। काट देना भी We also have Vidit Gujarati here because all the good chess players said no. Sagar Bhai is here because Amruta is out of town. Who's Amruta? His sister, my friend. My friend, bolo thoda at least. Sister, to ghar leke jao, wapas ghar jana hai. We also, oh, we have Vic. What the fuck? Bhai, kya kar diya ye? Pressure mein utre ho. Fail diya jayega bhi. पूनम जी के आसपास टिश्यू तो बनते हैं। वेलकम टू द शो भाई, यही है शो। ओके लेट्स स्टार्ट, आर यू रेडी फॉर इंडियाज गॉट टैलेंट? So let's have a round of applause for the first star of the night, Viral Mistry. Man vs Wild के Bear Grylls मुंबई आ चुके हैं, तो उनका experience बता रहा हूँ। मैं इस समय मुंबई की local में हूँ और शाम के 8 बज चुके हैं। आपको शायद अंदाजा भी नहीं कि मैं किस हालत में हूँ। अगर मुझे अपने घर जाना है तो मुझे किसी भी हालत में अगली ट्रेन पकड़नी होगी। हालांकि आप इस तरह के अनजान शहर में फंस जाए तो अपने दोस्तों की मदद जरूर ले, क्योंकि वही है जो आपको ट्रेन में चढ़ा सकते हैं, वरना आपकी जान को खतरा हो सकता है। आपकी जान 10 मिनट में चली जाएगी, ज्यादा से ज्यादा सिर्फ ट्रेन 10 मिनट लेट होगी। काफी भीड़ है, कोई मुझे धक्का मार रहा है। एक्सक्यूज मी, ये आपका कोई सामान तो नहीं लग रहा, ये कुछ और ही। देखा आपने, अगर आपने सावधानी नहीं बरती तो कोई आपकी मार के चला जाएगा। पूरा पांडे जैसे जो कर रहा है। समय के कॉलेज में जाते हैं, ये तो मेरे वाला होता है। हम आए हैं पुणे के पीवीजी कॉलेज ऑफ इंस्टीट्यूट में, जहाँ पे कुछ ब्रिलियंट स्टूडेंट्स ने अपनी पढ़ाई की है। यहाँ की काफी प्रोफेशनल कोर्सेस अवेलेबल हैं, फिर भी कुछ चुनिंदा एम्प्लॉइज ने प्रिंटिंग इंजीनियरिंग की है। क्यों समय, सही कहा ना, जीवन में कई बार हमारे गलत फैसले ही हमें कुछ ऊंची बुलंदियों पर ले जाते हैं। क्योंकि मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक आईटी का सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल एक प्रिंटिंग इंजीनियरिंग को अपना जज मान लेगा। नेक्स्ट एपिसोड, साउथ अफ्रीका का वाइल्ड लाइफ। साउथ अफ्रीका के घूमी घूमी नेशनल पार्क में ये प्रजनन का समय है। हाल ही में मजा आ गया भाई, प्रजनन बोले मैदानों में उसके लिए हो गया ना पूरा ओनली फैंस। ऐसे में ये नर जिराफ जानता है कि नर जिराफ ऐसे में ये नर जिराफ जानता है कि साथी मिलने का ये सबसे अच्छा समय है। ओ, साथी पूरा फेल दिया है। एक जवान मादा पर उसकी नजर है। ओ, जवान है बूढ़ी, अभी तो बूढ़ी हो। ये जानने के लिए कि वो प्रजनन करना चाहती है कि नहीं, उसे मादा की अनुमति लेनी पड़ेगी। इसके लिए नर मादा की पीठ पर अपना सर रगड़ता है। ये चीज अगर कि तू बन गया तो इसके हाँ। पीछे ही पड़ेगा। करने का समय मादा की पीठ पर सर रगड़ेगा तो जाके लड़के जबकि मादा चाहती है नहीं उसको स्किप कर दिया, और स्फूर्तिला और आकर्षक नर दिखावा कर दिया कि समय रहना नेवर हेजिटेट। मैं तो शो देख के इसका लगता है जिराफों का नियम, ये ऐसा ही नहीं होता कि गेस्ट आपके घर में आए हो तो वो तो थोड़ा अनकंफर्टेबल लगता है उस टाइम पे, और आपका घर है आप कुछ भी कर सकते हो, वही ये करता है। मतलब उस गेस्ट का मजाक उड़ाते हो, थोड़ा हंस के क्या गाली देंगे, क्या क्या रिप्लाई करते, बाकी कुछ नहीं भाई। जैसे मैं अपने लौंडे बुला लूँ अपने रूम में 4-6 को और सबकी मौज लूँ, तो लौंडे मुझे बताया लौंडे कुछ कर नहीं पाएंगे, तो क्या ये वो हंस रहेगा मेरा सरकाजम लगेगा हमको। तुम्हारा वो चीज़ फिर भी एक वो है कि हाँ दोस्ती यारी में हो रहा है, ये तो बिकाऊ है ना सारे। हाँ पैसा लेके और पैसा लेके चेस खेलता है बेचारा, उसके बताओ एक प्रजनन करने के लिए खोपड़ी देखते उसके दोस्त तो क्या ही गांड फाड़ेंगे। वही अब ये सीन था क्या हुआ हम बताएं, जैसे कि अब कॉलेज में थे हम लोग, मैकेनिकल वाले बैठ जाते थे ग्रुप में, अब सीएस वालों को खड़ा कर लिया जाए, अब उनकी मौज लेंगे क्या करेंगे।
मतलब वही वाला सीन बन रहा है कि मैं तो कुछ कर नहीं सकते, हंस नहीं है कि वो कुछ बोल देंगे तो फिर ले लेगा भी, जो किया वही हम लोग क्वारंटाइन करते तो वही आकर के बैठ रहा है। तो वीरल मिस्त्री भाई, वीरल है आपका? हाँ वीरल, वीरल कहाँ रहते हैं आप? मीरा रोड में। अच्छा, वहां से बहुत कलाकार आ रहे हैं आजकल भाई, मीरा रोड में हो क्या रहा है भाई? बस लेटन चल रहा है अब सब जगह। तो ये आपने कहाँ सीखा है? आप बहुत बेयर ग्रिल्स को देखते हैं? हाँ मतलब ये सीखा नहीं है, मतलब ये बचपन से टीवी देख देख के ये ऐसा आ गया है ये इसमें। डू यू डू दिस प्रोफेशनली एनीवेयर? भाई फर्स्ट टाइम स्टेज पे आ रहा हूँ, हाथ नहीं हिल रहे मेरे, बिठा ना दिया भाई। दैट्स व्हाट आई कुड सी है ना, मैंने अपना कंफर्ट जोन निकालने के लिए मैं आया हूँ, बाकी मैं तो मुझे पता ही नहीं था ये सब होता है। तो आपको लग रहा था कुछ और दबाने जा रहे हैं, आ जाते हैं एक बार देखते हैं क्या होता है। पांच एपिसोड देखे। अरे यहाँ एक हाइना भी है, ये डायरेक्ट ऑफिस से आ रहा है क्या? लगता है कि ऑफिस से आ रहा है, लगता है इसका प्रजनन का समय आ गया है। प्रजनन, ये गांड है क्या जिसको तोड़ दिया था? कभी कल गलती से ही बोलेगा बनाया तो इसे कुछ क्या, तो हम तो डायरेक्टली बोल सकते ना, वो खुद ही क्लेम करती है एक गांड एक गांड। तो चेस्ट में सीधा खड़ा हो गया भाई। जीवन मिलता है उसमें फॉरेनर वाइफ तो चाहिए ना, मतलब क्यों क्यों इंडियन में क्या इंडियन मिलती कहाँ है, भाव कहाँ देती है इंडियन, इसलिए वैसे इंडियन बड़ी अच्छी होती है। कल से ट्राई करूंगा, कोई ख्वाब नहीं है। आप तो बहुत घूमे हैं दुनिया भर, आप इतने सारे फॉरेन लड़कियों को मिले हैं, तो क्या लगता है आपको कि why you still want Indian girl? भाई वो ये फंस गया, पकड़ लिया पकड़ लिया। भाई बहुत मजा आया, वीरल मिस्त्री ने जोर लगाया भाई। थैंक यू, ऑल द बेस्ट भाई, आई होप यू फाइंड व्हाट यू एवर यू बैठे चलो एंजॉय। हम तो स्कोर ही दे सकते हैं तो ब्रो, आई लव्ड व्हाट यू डिड ब्रो, आई एम गोना गिव यू 9. पूनम जी, I'll give you 9.5. ये वर्ड पूरा चलेगा क्या प्रजनन? मुझे लगता है उन्होंने 10 नहीं दिए होंगे, क्योंकि उन्होंने लिखा है डाउट माइसेल्फ ये वो, तो इसलिए मैं 9 दे रहा हूँ। ओके सागर शाह भाई, मैं तो 10 ही दे रहा हूँ। एंड विवेक देसाई, मुझे भी आपको मन कर रहा है 10 देने का, 10 10, लेट्स गो। सो दैट मेक्स योर एवरेज 9.5। अरे इन्होंने 8 दिया रहे, तुमको देख लिया ना, अरे यार नो फर्स्ट टाइम था तो क्या लिखूं नंबर, पहचान अपने को ज्यादा ही किल कर दिया, बहुत अच्छे रहे आप यार, एक बार जोरदार ताली बजाओ।